वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि दूसरों की इज्जत तार तार करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि नैब का इंतजामी कंट्रोल हमारे पास नहीं है, अपोजिशन अराकीन पर करप्शन के इल्जामात हमने नहीं लगाए, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ केसेस भी नून लीग ने बनाए, ताहम एहतसाब के अमल में अगर सिक्कम है तो इस पर बातचीत के लिए तैयार है। फवाद चौधरी का कहना था कि जमहूरियत में एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है, पार्लियामेंट में ज्यादतियात पर उतर आएंगे तो माहौल खराब होगा, नैब के कानून पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, अपोजिशन एहतसाब के कानून में तरमीम चाहती है तो मुजाकरात के लिए तैयार है, पीपी और नून लीग ने 30 साल हुकूमत की, अब 5 साल किसी और को भी बर्दाश्त कर ले। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि कल मुशीर खजाना ने पार्लियामेंट में बड़ी जामे तकरीर की, जबकि अपोजिशन ने आटे और चीनी के बहरान पर भी कोई मजबूत बात नहीं की। आज LNG डबल पैसों पर शायद खाकान अब्बासी के 15 साल मुआहदे की वजह से खरीद रहे हैं। या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।